एक ग्राउंड हुआ करता है सस्पेंशन का, तो बहुत उम्मीद है हमें कि कल सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर हो जाएगी। सर, उन्होंने जो राहुल गांधी वाले केस का हवाला दिया, क्या आप समझते हैं ये रेलिवेंट है? नहीं, कोई रेलिवेंट नहीं है। देखिए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये अदालत की सवाबदीद है कि वो किसी सजा को मुअत्तल करे या ना करे, तो इससे किसको इनकार है? जाहिर है सवाबदीद है, इसीलिए आके बहस करते हैं। उस मुकदमे में तो इतनी ही बात भारतीय हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ये सवाबदीदी इख्तियार है अदालत का, सजा को मुअत्तल करना या ना मुअत्तल करना, इससे तो किसी को इनकार नहीं है। हम समझते हैं ये अच्छा केस है सजा मुअत्तली का। सर, अगर चेयरमैन पीटीआई की इस केस में सजा मुअत्तल हो जाती है तो दूसरे जो उन पर तकरीबन 150 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं, उनमें क्या देख रहे हैं? क्या इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं आपको अगले 5-10 दिन में बाहर आते हैं? देखिए, ये अभी कहना मुश्किल है, देखना पड़ेगा कि क्या क्या मुकदमे बने हैं, आज रात क्या बना देते हैं। यहाँ तो एक ये जारी है ना अमल, हर रोज़ कुछ ना कुछ रियासत की तरफ से हो रहा है, लेकिन अब जो भी होगा उसका कानूनी मुकाबला किया जाएगा। ये एक इंसाफ हक की बात है, जो इंसाफ का अमल है उसको एक सियासी हरबा कभी भी नहीं बनना चाहिए, लिहाजा इसलिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे। जी राय साहब।